Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. मैंने सोचा आज जो है अली हमज़ा की वीडियो का जो वेलकम है वो मैं करूं, बिकॉज़ अली हमज़ा जो है वो तैयार हो रहा है और हमें थोड़ी देर में ज़्यारतों के लिए निकलना है और हम लोगों ने आज ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिया था. तो मैंने सोचा कि मैं जाके ज़रा स्टारबक्स से कॉफ़ी और कुछ हल्की फुल्की जो खाने पीने की चीज़ें ले आऊँ. सो आई एम लीविंग फॉर स्टारबक्स राइट नाउ व्हाइल अली हमज़ा गेट्स रेडी. और मुझे जो है बहुत इंस्ट्रक्शंस उसने दे के भेजा है, डबल एस्प्रेसो हो, गर्म हो, ऐसी हो वैसी हो. सो होपफुली आई लिव अप टू हिज कॉफ़ी स्टैंडर्ड. ये जो हूँ मैं होटल से निकली हूँ और होटल से निकलते ही सामने क्लॉक टावर का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है, मैं आपको दिखाती हूँ ये. और ये नीचे एक स्टीप सी वॉक है और वहाँ जो है मस्जिद शुरू हो जाती है. ये हम आ गए जी स्टारबक्स. ये मैंने हम दोनों की जो है कॉफीज ले ली हैं, साथ में ब्रेकफास्ट भी ले लिया है बिकॉज सुबह नाश्ता मिस हुआ था. और अली जो है मुझे बोल रहा था कि उठ जाओ यहाँ से, यू नो अली तुम पहले उठो, आई वेक अप एवरी डे. और खुद सो गया, देन ही इज़ लाइक यू नो तुमने ये बोला था इसलिए मैं सो भी नहीं, बस लाइक तुम्हारी बस मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे इतनी भूख लग रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था. सो आई गॉट हिम ब्रेकफास्ट. फाइनली मेरी एस्प्रेसो शॉट आ गई जो कि आधी मैं पी चुका हूँ, बट कॉन्फिडेंटली आई कैन से कि इससे बेहतर मैं बना सकता हूँ. ये पिछले कोई आधे घंटे से गई है, फोन इनको किया, फोन इन्होंने उठाया नहीं और इतनी टेंशन होती है ना बंदे को. 4 मिनट पहले से मुझे फोन किया है, 4 मिनट पहले मेरे हाथ में इतना सामान था मैं फोन कहाँ से उठा दिया. कॉफी फाइनली गॉट ब्रूड कॉफी. हाँ यार यहाँ पे नाश्ते मैंने इंस्टेंट कॉफी है, दूसरी जो कॉफी उसके लिए 23 रियाल. 23 रियाल तो मैंने नहीं देने इसके लिए, तो इससे बेहतर मैं इंस्टेंट कॉफी पी लेता हूँ. मतलब काम चलाना है, जुगाड़ है. आज ना मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि स्टारबक्स वाले ना ये इनका मार्केटिंग गिमिक है. अब अनिया ने अनिया बोला था ANY आलिया लिख दिया. आई थिंक दे डू इट ऑन पर्पस ताकि लोग बोले ओ देखो स्टारबक्स ने मेरा नाम गलत लिखा, ओ स्नैपचैट करूंगा, इसलिए लिखते हैं. अच्छा यार कल मैंने जब ये डिस्टैशा लिया ना तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था. मैंने कहा यार ये ब्लैक डिस्टैशा व्हाइट इतना अच्छा लग रहा था, ब्लैक इतना अच्छा लगा. अभी मैंने पहना और मैंने देखा भी शीशे में तो यार मैं तो मलंग लग रहा हूँ. कसम से यार मैंने ये देखा ना, मैंने कहा यार वैसे वाकई इतने ढीले ढीले. कॉफी फॉर आलिया, लो आलिया कॉफी लो. हमारे ड्राइवर हमें बड़ी देर से फोन करा, सर कब आए? हमने कहा बस आ गए भाई और हम आ गए. तो हमारे पास मक्का में ज्यादा टाइम नहीं था तो हमने कहा आज का दिन ज्यारते कर लेते हैं. तो ज्यारतों में आज हम आए हैं यहाँ पे गारे सौर में. गारे सौर की क्या हिस्ट्री है? गारे सौर ये जो ऊपर आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है पहाड़ में जो पत्थर बने हुए हैं बिल्कुल चोटी पे, वहाँ पे जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर जो है वो आए थे और वो कुफार से जो है छुपे थे यहाँ पे. एंड एक स्टोरी हम लोगों के पास बचपन में भी जो है, मेरे पास एक बुक होती थी जिसमें स्टोरी थी हाउ मकड़ी ने जो है केव के अराउंड जाला बना दिया था पूरा. तो कुफार ढूंढते ढूंढते उनको पीछे आ गए थे उनको मारने के लिए, बट देन दे सॉ कि जाला बना हुआ है पूरा. एंड दे सॉ कि जाला बना हुआ है पूरा और अगर कोई केव के अंदर जाता तो जाला टूट जाता. सो दे जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे अंदर कोई नहीं होगा, वो वापस आ गए. दैट इज़ हाउ अल्लाह ताला ऑफर्ड देम प्रोटेक्शन इन दिस केव. अभी हमने वहाँ पे जाके देखा कि हम ऑल द वे ऊपर जाएँ, लेकिन अगर हम ऑल द वे ऊपर जाएंगे तो फिर हमें बाकी ज़्यारत करने का मौका नहीं मिलेगा और अंधेरा हो जाएगा. तो इससे बेहतर ये है कि हमने ज़रा बाहर से देख लिया, अब हमें ज़रा बाकी देखनी है. सामने जो येलो बोर्ड नजर आ रहा है ना आपको, जी जी, यहाँ से मैदान अरफात शुरू हो रहा है. अच्छा, इस मैदान के अंदर आज जो है ना नौ जिल हज का दिन गुजारते हैं पूरा, जुहर और असर की नमाज जो है ना इकट्ठी पढ़ी जाती है. सही. राइट पे जो पहाड़ जो नजर आ रहे हैं ना जी, वहाँ तक इसकी हदूद है और लेफ्ट पे जो भी पहाड़ नजर आ रहे हैं वहाँ तक इसकी हदूद है. सही, वहाँ पे लिखा भी अरफात स्टार्ट से इसे जो है ना मैदान महशर भी कहते हैं. क़यामत वाले दिन सारी दुनिया उठ के जो है ना दोबारा जब उठेगी ना जी जी, तो इसी मैदान में आके खड़ी होगी, हिसाब किताब इसी मैदान में शुरू होगा. राइट साइड पे जहाँ दरख्त लगे हुए हैं ना यहाँ खेमे लगाए जाते हैं एक दिन के लिए, यहाँ पे रुकते हैं ना जी एक दिन. एक दिन के लिए नौ से हज को खेमे लगाए जाते हैं. जुहर और असर की नमाज इसी मैदान के अंदर पढ़ाई जाती है. जुहर और असर की नमाज पढ़ने के बाद ना सूरज गरूब होने लगता है तो इस मैदान को छोड़ देना है. मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज मैदान मुजफ्फा में जाके पढ़नी. सही, ये मैदान जो है, ये जो जगह है ये जहाँ पे ग्रीनरी है यहाँ पे खेमे लगाए जाते हैं और यहाँ पे हाजी रुकते हैं अरफात के टाइम पे. ऊपर जो है फुहारे लगे हुए पानी के, हाजी के दौरान मनसोई बारिश चलाते हैं यहाँ से. जी जी, और ये सफेद पिलर है ना छोटे जी, जी. पानी पीने का होता है हाज के दौरान. सही. और ये सामने जो है ना मस्जिद निमरा है, इसी मस्जिद के अंदर जो है ना हाज का खुतबा होता है. ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है नौ जल हाज को. यही मस्जिद बिल्कुल. इस मस्जिद के अंदर सिर्फ जोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ाई जाती है. ये सामने जो पहाड़ है ना जिसपे पिलर बना हुआ है जी जी, ये जबल रहमत है यानी रहमत का पहाड़. हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा जो है ना जब जन्नत से निकाले गए थे जी, तो इसी पहाड़ की चोटी के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया था अल्लाह ताला को, जाके उनकी दुआ जो है ना कबूल हुई थी. वहीं ऊपर जब हजरत हवा घूमते हुए चढ़ी ना
तो वो सामने बैठे हुए थे। दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की पहली दफा मुलाकात इस पहाड़ के ऊपर हुई थी। ये वाला जो पहाड़ है ये सामने छोटा सा, बड़ा नहीं छोटा। अच्छा छोटा पहाड़, ये सफेद पिलर जो नजर आ रहा है, तो वो वाला जो पहाड़ है जहाँ पे ये छोटा सा एक पिलर है जो आपको नजर आ रहा होगा, ये वो जगह है। आई थॉट ये है लेकिन ये नहीं है, वो वाली है जहाँ पे एक छोटा सा पिलर है। अच्छा ये जो है ये मीना के खेमे लगे हैं, यहाँ पे हाजी जो है वो 3 दिन रुकते हैं यहाँ पे हज के टाइम पे। लेफ्ट साइड पे वो गुंबद नुमा जो है ना पिलर नजर आ रहा है आपको, इसे जबल इस्माइल कहते हैं। ये यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल की यहाँ आके कुर्बानी की थी, तो इसी जगह पे जो है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे दुम्बा आया था। कुर्बानी की शुरुआत इसी जगह से शुरू हुई। वो गुंबद है आपको नजर आ रहा होगा, ये वो भी फोकस हो, ये वाला गुंबद है, ये वाला जो बस काट रही है, बट वो वाला था गाइस जो हाईलाइट था और जो हम देखना चाह रहे थे और हम बहुत कीन थे देखने के लिए, वो था गारे हिरा। हम चाह रहे थे कि असल में हम गारे हिरा आएँ, हम पूरा चढ़ें, क्योंकि उसकी एक इतनी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पहली आयत वहाँ पे रिवील हुई थी, हज़रत को पहली रेवलेशन वहाँ पे मिली थी, तो वो वहाँ पे गारे हिरा है आपको नज़र आ रहा है, लोग क्लाइम करके जा रहे हैं ऑल द वे। अभी जो ड्राइवर है उन्होंने बताया कि चढ़ने में तकरीबन 1.5-2.5 घंटे लग जाते हैं, तो इतना टाइम तो है नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम चढ़ तो नहीं सकेंगे इंशाल्लाह अगली दफ़ा। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। ये वाला पहाड़ है वो वहाँ मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि लोग वहाँ पे वो बेसिकली उस साइड पे गारे हिरा। तो जी अब हम इस कब्रिस्तान में आए हैं जहाँ पे बहुत सारे सहाबा की भी हैं, कौन से सहाबा हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हज़रत खदीजा के भी यहाँ पे कब्र है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, हम बाहर खड़े हैं, अंदर से ये इस तरीके से दिखता है। तो ये जो एक मीनार वाली मस्जिद है ये है मस्जिद जिन, हमने मस्जिद जिन है, यहाँ जिन्नात ने जो है ना बैत की थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान हुए थे, ये कलमे पड़ी थी जिन्नात ने। ये जो आगे एक और मीनार है, ये जो राइट हैंड पे एक और मीनार है, ये मस्जिद फतह है। जब मक्का मुकरमा फतह हुआ था तो इस मस्जिद के ऊपर जो है ना इस्लाम का झंडा लहराया गया था कि ये मक्का मुकरमा आप जो है ना मुसलमानों के पास है। और इसी लेफ्ट हैंड पे ना आखिर में वो कोने में मस्जिद नजर आ रही है, जी जी। ये मस्जिद शजरतैन है, शजरतैन अरबी का लफ्ज है यानी दो दरख्त, दो दरख्तों वाली मस्जिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाली ना, जी जी लेफ्ट में जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना यहाँ दो दरख्त हुआ करते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रेस्ट के लिए आते थे ये दोनों दरख्त जो है ना उनको ढांप लेते थे, साया दे देते थे उनको रेस्ट करने के लिए। यार पिछले 2 घंटे से हम थे हसन भाई के साथ और मेहताब के साथ और शिजा के साथ, पिछले 2 घंटे से हमने ये कोऑर्डिनेट पहले से किया हुआ था कि हम मिलेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को अगर नहीं पता कि कौन है, तो जिस मग में मैं रोज कॉफी पीता हूँ सुबह सुबह ना, तो वो मेहताब ने ला के दिया, तो वो मेरी सप्लायर वो है, मैं हर रोज कॉफी पी के ऐसी दुआएं देता हूँ उनको, ऐसी दुआएं देता हूँ। इत्तेफाक से इन्होंने भी अभी भी उमरा किया है, हमने भी उमरा किया था, तो फिर हमने कोऑर्डिनेट कर लिया और अब हमारा होटल आ गया। 2 घंटे हमें इन्होंने ठीक ठाक फिराया। मैंने इनको वैसे सजेशन दिया कि इनका एक अल्टरनेट प्रोफेशन होना चाहिए टूर गाइड, क्योंकि हमने जो सुबह ज्यारतें की थी वो तो यार बिल्कुल किसी खाते में नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ खड़े खड़े इन भाई ने हमें जो ज्यारतें कराई है ना, उफ में मजा आ गया, मतलब रूह को ठंडक मिल गई। इन्होंने बोला रिशा का नाम लेना है वरना वो मार देंगी, तो हाय हाय रिशा, हेलो, और अली, हाय अली, प्लीज मारना नहीं इनको। हाय गाइस, लाफिज। यार हसन एंड मेहताब पीपल आर सो क्यूट, दे आर सो क्यूट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो उन्होंने मैं जाते हुए मेरी वालदा और रनिया की वालदा के लिए कुरान शरीफ भी दिया एज अ गिफ्ट, एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स दैट यू कैन गिव टू समवन, एंड वो दोनों बहुत खुश होंगी, लाइक बहुत ज्यादा खुश होंगी। दे ऑल्सो गिव मी अ जायनमाज, जिससे मैंने काबा के सामने नमाज पढ़ी है आज, एंड आई विल कंटिन्यू टू यूज इट इन फ्यूचर एज वेल, एंड आई एम जस्ट रियली 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 हैप्पी एंड रियली ब्लेस्ड। सो गाइस थैंक यू सो मच अगेन। जी आपका सीन ये है कि हमें अर्जेंटली निकलना पड़ा है जिद्दा के लिए, इतने के लिए हमारा मक्का में लास्ट डे है, तो हमने सारा कुछ वाइंड अप करके हमने कहा जरा दो नफिल पढ़ लेते हैं काबा के सामने, काबा को आखिरी दफा देख भी लेंगे। अभी वी आर ऑफ टू जद्दा इन अ वाइल, सारे हमने बैग शैग जो है वो रख दिए हैं, तो हम जा रहे हैं नीचे काबा की तरफ और फिर उसके बाद फिर आके फिर हम निकलेंगे जद्दा के लिए। ऑल्सो इन अदर न्यूज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कपड़े क्यों बदल लिए, तो मैंने इसलिए बदल लिए क्योंकि मैंने जो काले कपड़े लिए थे वो मैं आती चाशा मैंने लिया था, उसमें मैं लग रहा था एक मलंग, और हम जा रहे हैं किसी के घर तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर जाना अच्छा लगता है, तो मैंने ये दूसरा व्हाइट चाशा पहन लिया जो मैंने लिया था, ये जरा रिलेटिवली बेहतर डिसेंट दिख रहा है। काबा के पास जाने के लिए हम नीचे से जा नहीं सकते क्योंकि मैं आराम में नहीं हूँ और अभी मैं उमरा नहीं कर रहा, अभी ऊपर जहाँ पे तवाफ करते हैं उस एरिया पे हम जाएंगे, नफिल पढ़ेंगे, कुछ दुआएं थी वो रह गई थी वो करनी है, यहाँ से अब अंदर जाएंगे, ये एरिया है आज। तो माशाल्लाह जो तवाफ वाला एरिया ऊपर वाला वहाँ पे देखें रश भी कम है, काफी खाली खाली है, एंड हियर वी आर फॉर द लास्ट टाइम, इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे, एंड हियर वी आर, दैट इज काबा राइट देयर राइट। अल्लाह अगर से हम अभी तो जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमें दोबारा अपने घर बुलाने की तौफीक दे, दोबारा से बुलाए, आपको भी अपने घर बुलाए। तो जी अब जो हमारा ड्राइवर है वो बाहर ही खड़ा है होटल के, बस होटल पहुँच के सामान गाड़ी में डालना है। यहाँ से जाने से पहले एक दफ़ा आखिरी बार यहाँ के जमजम
अच्छा यार जा तो रहे हैं लेकिन जाते जाते ना दिल भारी हो रहा है। गाड़ी भी हमारी टाइम पे आ गई जी, सामान भी टाइम पे आ गया, सामान सामान सब डल चुका है। चलें, फाइनली पहुंच गए हम जद्दा। तो चलें गाइस, आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।